रुदौली भैलसर मार्ग पर चल रहा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आधा अधूरा होने से आम जनता को परेशानी हो रही है। आपको बता दें, रेलवे क्रॉसिंग के ओवरब्रिज का शिलान्यास 14 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया था, जिसके बाद 2019 के पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने 31 अक्टूबर तक कार्य पूरा करने का आदेश अधिकारियों को दिया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री का आदेश भी हवा हवाई निकला। इस ओवरब्रिज का निर्माण राज्य सेतु निगम और रेलवे विभाग मिलकर बना रहे। वही रुदौली की जनता लगभग 5 सालों से मुसीबतों का सामना कर रही है। हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के हकीकत पर ही देखिए रिपोर्ट। तो रुदौली रेलवे ब्रिज का ओवर का निर्माण कार्य जो है लगभग 2017 से शुरू हुआ है और 2019 से पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी 5 साल बीतने को है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं पूरा हो सका है। और यहाँ भी मैं कैमरामैन से कहूंगा दिलजीत भाई कि यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से जो है आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आने जाने वाले लोग जो है सबसे ज्यादा दिक्कत उस समय होती है जब मरीजों को इमरजेंसी पड़ती है, और इसी के आगे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तहसील है, तो मरीज जो है यहाँ तक ही नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी मौतें भी हो चुकी हैं, क्योंकि यही अस्पताल की दूरी रुदौली से जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे है और वही घूम करके जाना पड़ता है कम से कम 5 किलोमीटर, तो वही समय लगता है जिससे लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे लोग भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2019-2017 से ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, 2019 में इसको पूरा हो जाना चाहिए था। लखनऊ वगैरह में और हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में साल दो साल के अंदर पूरा हो जाता है, 5वां साल चल रहा है। क्रॉसिंग के इस पार उस पार इतनी अव्यवस्था जनता को झेलनी पड़ रही है, लोग मरीज को लाते हैं और गिर गिर पड़ते हैं, औरतें को चोट भी लग जाती है, जा नहीं पाते हैं। इधर बारिश हुई थी, सड़कें बहुत खराब हो गई थी, इधर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मिल करके इसका खुद का ये रिपेयरिंग का काम कराए जो विभाग को करना चाहिए, इसमें विभाग की बहुत लापरवाही है, इसके कारण रुदौली की जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? पंकज शर्मा, रुदौली। 8 साल हो गया इसको शुरू हुए, अभी तक की ये कंप्लीट नहीं हुआ, लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं और इधर से ऐसे आप देख रहे हो, आप 5 साल से चल रहे हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। मरीज अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको भी लाने में दिक्कत होती है, 5-6 किलोमीटर घूम करके तब फिर घर आना पड़ता, तब मरीज बिल्कुल वो हो जाता है, हम अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। और अभी ये कब तक चले इसका कोई वो नहीं है। 5 साल हो गया है, 5 साल में रास्ता बनाया नहीं है और ब्रिज का काम चल रहा है, बाकी बहुत धीरे धीरे चला है। कम से कम पब्लिक को आने जाने के लिए रास्ता दे देना चाहिए, जो आदमी बीमार है या कुछ भी है, तकलीफ रहती है रुदौली जाने के लिए, उनको 5-6 किलोमीटर दो घूम के जाना पड़ रहा है। तकलीफ ये है कि उनको घूम के जाना पड़ता है, इमरजेंसी कोई बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, उनके लिए बहुत तकलीफ, बस से यात्रा तकलीफ है, पैदल चलने वाले के लिए या मोटरसाइकिल वाले के लिए उनके लिए रास्ता बना देना। अरे बहुत परेशानी हम लोगों को, कम से कम सर्विस रोड बना देना चाहिए ताकि हम लोग निकल जाए, मोटरसाइकिल निकले, साइकिल निकले, ठेला वाले निकले। बड़ी परेशानी होती जब भी, जो बीमार बच्चे होते हैं या औरतें होती उनको ले जाने में सीएससी बहुत परेशानी होती, 3-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। कितने सालों से बन रहा है? 5 साल से बन रहा है। यहाँ पे आम जनता का साफ तौर पे कहना है कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 5 सालों से चल रहा है जो अभी तक की नहीं पूरा हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो विभाग की भी लापरवाही साफ तौर पे देखी गई है। और भी दूसरे लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम बताया? मेरा नाम साधन है। ये कितने दिनों से ओवरब्रिज का निर्माण? 2017 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जबकि इसका जो लगभग प्रोसेस है इसका अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। इसमें लापरवाही सबसे ज्यादा ठेकेदार और जितने विभाग वाले हैं सारे मिलकर कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा, बारिश हो रही तो दिक्कत, कोई मेडिकल फैसिलिटीज तक पहुंच नहीं पा रहा है, अगर किसी को बीमार हो जा रहा है तो दूर से होके जाना पड़ रहा है, जिससे कि जो आम जीवन है बहुत प्रभावित हो रहा है। और जो आसपास के जो अपने कार्य करने वाले हैं, जो मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, जो ये सब मिलके एक दूसरे को जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सारी परेशानी जनता को उठानी पड़ रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 2017 से निर्माण कार्य चल रहा है और अभी तक की नहीं पूरा हुआ है, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो है इसका वादा किया था यहाँ आम जनता से कि 31 अक्टूबर को एक बीच जो है इसका उद्घाटन हो जाएगा और लोगों को सौगात मिल जाएगी, आना जाना सुगम हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर भी बीत चुका है लेकिन अभी तक की निर्माण कार्य इसका नहीं पूरा हो चुका है। अब ये देखना होगा इसका निर्माण कार्य कब पूरा होता है। विनय मिश्रा।